हेलो फ्रेंड, दिस इज विशाली एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद कोच। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसके माध्यम से आपको अपडेट मिलती रहती है। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि RBI असिस्टेंट 2022 का जो प्री एग्ज़ाम हुआ था वो 26 और 27 मार्च को हुआ था, जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। आप RBI असिस्टेंट प्री के रिजल्ट को बीरबल की खिचड़ी भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसा कि सभी लोग अनुमान लगा रहे थे कि 20 दिन के अंदर RBI अपना जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर देता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। खुद मैं भी ऐसा बिलीव कर रही थी कि आपका 20 दिन के अंदर जो है वो रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। हम सभी जानते हैं कि RBI असिस्टेंट की जो मेन्स की डेट है वो 8 मई है, तो 8 मई अगर आज से देखा जाए तो कुल कितने दिन बचते हैं, तो यानी कि 16 और 17 दिन बचते हैं। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि RBI को अभी तक प्री का रिजल्ट डिक्लेयर कर देना चाहिए था, ताकि जो बच्चे जिन्हें मेंस देना हो वो अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। और जितना टाइम RBI को लेना था RBI असिस्टेंट प्री 2022 के रिजल्ट को डिक्लेयर करने में, वो ले चुका है। अब आपका जो रिजल्ट है वो RBI पर ड्यू है, तो वो कभी भी इसका अनाउंसमेंट कर सकता है, आपका रिजल्ट दे सकता है, आपका स्कोर कार्ड दे सकता है, क्योंकि 8 मई को आपका मेंस का एग्जाम। सो लेट्स होप कि आपका इसी वीक में यानी कि आज और कल में ही रिजल्ट आ जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर मंडे में आएगा तो वो काफी डिले हो जाएगा और आपका जो एग्जाम है उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।